जी, CLN इंडिया, CLN, क्लेरियंट केमिकल्स। सर इस काउंटर में क्या है ना, अगर मैं लास्ट कुछ महीने का आपको डेटा बताऊं तो बहुत लोअर ट्रेंड में चल रहा है, और इसका फंडामेंटली मैं थोड़ा बता देता हूं। फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ये है कि सर इसका जो सेल्स ग्रोथ है ना, 4% डाउन के साथ ग्रोथ है। और एक बात है कि कंपनी ने जो अपना जो रिटर्न ऑन इक्विटी -8.3% की डाउनसाइड में दिखाया, और टैक्स रेट सीम्स भी लो है और सेल्स भी नहीं है। तो सेल्स नहीं है जहाँ पे और फंडामेंटल खराब है, मेरे को नहीं यहाँ पे सजेस्ट करना है। एंड मैं यही बताऊंगा, अगर आपको आपके पास है तो आप काइंडली एग्जिट कीजिए, या फिर अगर आपके पास डाउन साइड में है तो आप एक बार अपना जो है स्टॉप लॉस 4:15 में रहिए, 415 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए। कभी भी आपका अगर बाइंग प्राइस आए तो आप एक बार एग्जिट कीजिए, लेकिन 415 के नीचे रहना नहीं है।